So hi guys, it's me. I will come back to my channel. My name is Divya. So today I will make an Xmas tree. So let's get started. So agar mai aapne meri ye wali Xmas tree nahi dekhi, to link in the description box. So materials: glue, scissor. वहाँ पे मैंने ग्लिटर शीट का एक स्टार शेप कट किया हुआ है. फिर एक बिग स्केल. फिर हम लोग को चाहिए रहेगा कटर. फिर हम लोग को चाहिए रहेगा ये जो 5 सेंटीमीटर 35-30. फिर पेंट ब्रश. फिर एक नॉर्मल पेपर. फिर हम लोग को चाहिए रहेगा थर्माकोल के बॉल्स, कलरफुल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले हम ये 5x30 इंच का ले लेते हैं. डार्क ग्रीन पेपर. सीजर. Let's open it. फिर आपको खाई खाई ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, तो इसको बस आपको थोड़ा सा कट कर देना है. यहाँ पे मैंने 4 ले लिया है. फिर हम लेंगे ग्लू. और पेंट ब्रश. फिर हम लेंगे पेपर. इसका साइज मैं आपको बता देती हूँ. मैं थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ. सो ये 11 सेंटीमीटर और ऐसे में है 21 सेंटीमीटर. तो इसको मैं इतना तक ऐसे रोल कर देती हूँ. ऐसे हम कोन बना देंगे. फिर हम ग्लू लेंगे पेंट ब्रश में और उसको रखेंगे. तो हम लोग इसको यहाँ लगाएंगे. फिर हम
इसको एक राउंड शेप कट कर लेते हैं। फिर हम ये लेके उसको आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ये हम लोग को ये सब साइड का सब मोड़ना रहेगा। देन हम फिर से ग्लू लेके उसको यहाँ डाल देंगे। मैं पहले इसको आधे में डाल तक ले रही हूँ। और वाइट ग्लू मैंने लिया है, मतलब फेविकॉल और फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्लू। इसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे, इसको हम ऐसे तो इतना हम लोग को कट लेना है। इसको फिर हम ऐसे ही पूरा ऐसा हम करते जाएंगे। और मैंने इसको बस छोटा बनाया था, इसमें मैंने सिर्फ A4 साइज पेपर ही यूज किया है। तो कैसे ऐसे हम पूरे ऐसे कर देंगे। ग्लिटर शीट फॉर्म फिर
हम थर्माकोल का बॉल लेके उसको डेकोरेट करेंगे। ये थर्माकोल का बॉल है, फिर हम आपको कहीं पे भी इसको लगा सकते हो, थोड़ा सा ग्लू लेने का आपको बस। आप इसमें व्हाइट बॉल भी डाल सकते हो। और ऐसे ही मैं इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। तो गाइस यू कैन सी कितने अच्छे से अपना बन गया है, छोटा सा एक्समस ट्री जो कितना मस्त लग रहा है। तो मैं अभी इसको लगा के दिखाती हूँ। So guys, like, share and subscribe to my channel. Bye.